अद्भुत पल की साक्षी बनी। जो लोग अयोध्या में थे वो तो सौभाग्यशाली थे ही, दुनिया भर में करोड़ों भक्तों ने भी इस अलौकिक उत्सव के गवाह बने। सबने रामलला की छवि अपने मन में बसाई है और जो कोई उन्हें जिसने भी उनको देखा बस देखता ही रह गया। इतनी मनमोहक छवि रामलला की नजर आई जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। आप भी देखिए कितनी मनमोहक तस्वीर और कितना अद्भुत श्रृंगार भगवान श्री राम का यहाँ पर किया गया है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बिल्कुल, और भगवान का सबसे पसंदीदा रंग, भगवान श्री राम का सबसे पसंदीदा रंग पीतांबरी रंग के रंग में आज हर कोई रंगा हुआ नजर आ रहा है। क्या बड़े क्या छोटे, क्या बुजुर्ग क्या बच्चे, हर कोई आज राम भक्ति में लीन नजर आ रहा है। और आज आप देखिए ये दो तस्वीर इस पल की गवाह है, इस पल के साक्षी हर कोई बनना चाह रहे थे। और न्यूज 18 के जरिए हमने हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाई है। राम मंदिर के साथ साथ रामलला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भव्य और दिव्य मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है, भगवा रंग के फूलों से, भगवा रंग की लाइटों से सजाया गया राम मंदिर को, और साथ ही श्री राम को तो आप देख ही रहे हैं। रामलला का ये अद्भुत श्रृंगार जो कि किसी की भी नजरों से नहीं हट रहा। बिल्कुल, खत्म हुआ वर्षों का इंतजार, आ गए अयोध्या की सरकार। जी हाँ, कई वर्षों तक तपस्या की, कठोर परिश्रम किया, कार सेवकों ने बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, लंबा संघर्ष था ये। हर किसी को इंतजार था कि रामलला जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे, और वो आज का दिन, जी हाँ, ऐतिहासिक पल आज का भारतवर्ष के लिए, सनातन धर्मियों के लिए, कि आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, विराजमान हुए हैं प्रभु अपने मंदिर में। वर्षों का इंतजार था, सभी ने वर्षों का इंतजार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का कठिन अनुष्ठान किया था और उसके बाद वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंडित पुजारी, संत, साधु संत वहां पर मौजूद थे और पूरे विधि विधान से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरती हुई, आरती के बाद परिक्रमा सबने की रामलला की, उसके बाद साष्टांग हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेहद भावुक पल उन कार सेवकों के लिए जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया है इस दिन को देखने के लिए। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के कई स्टार भी पहुंचे हुए थे, जिसमें सदी के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन, आयुष्मान खुराना और रणदीप हुड्डा भी नजर आए। अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ रणदीप हुड्डा नजर आए। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं रामलला की अद्भुत तस्वीर। हालांकि आपको ये 8 तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और साथ ही जो साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत और साथ ही रामचरण भी यहां पर नजर आए और चिरंजीवी भी नजर आए हैं। तो ये सुपरस्टार अयोध्या में सुपरस्टार्स का जमावड़ा भी देखने को मिला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं और 5 साल के बालक रूप में विराजमान रामलला का सोने के आभूषण से श्रृंगार देखकर लोग भाव विभोर हो गए हैं। 200 किलो की प्रतिमा को 5 किलो सोने के जेवरात पहनाए गए हैं। नख से ललाट तक भगवान जेवरात से सजे हुए हैं। रामलला ने सिर पर सोने का मुकुट पहना है और मुकुट में लाल और हरे रंग के रत्न जड़े हुए हैं। इसमें किनारे पर मोतियों की झालर लटकी हुई है। माथे के बीचों बीच सफेद धातु से बना तिलक बना हुआ है। कमर में करधनी, कान में सोने के कुंडल पहने हुए हैं और गले में हरा, सफेद और लाल रंग के मोतियों की दिव्य भव्य माला है। तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, श्री रामलला की ये तस्वीर आप देखिए, जिसका विश्लेषण करती हुई, जहां पर रामलला ने सिर पर सोने का मुकुट पहना है। आप देखेंगे मुकुट में लाल और हरे रंग के रत्न जड़े हुए हैं।
इसमें किनारे पर मोतियों की झालर भी लटकी हुई है। माथे के बीचों बीच सफेद धातु से बना तिलक बना हुआ है जो कि एक शांति का और कॉन्सेंट्रेशन का प्रतीक माना जाता है। गले में हरा सफेद और लाल रंग के मोतियों की दिव्य भव्य माला है और इसका पेंडल रामलला की नाभ भी तक लटक रहा है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ये नजारा, जहां रामलला के विराजमान होने की तस्वीर से लेकर अद्भुत छवि और फिर आरती तक की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवध बिहारी की आरती की। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य भी गदगद दिखे। रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें महान तपस्वी बताया। जी के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों को हुआ था, वही अनुभव आज मुझे हो रहा है। क्या कहते हैं इतने सालों बाद जो सपना था वो साकार हुआ है? पूर्ण साकार हुआ, मेरी प्रसन्नता का वारा पाने मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं इन पिछले 2-3 सालों में, उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा, क्या लगता है इससे देश का विकास होगा? आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इससे देश का विकास होगा, भारतीय संस्कृति का विकास होगा। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा, दो वो भी रहेगी मेरे साथ, हम वो भी लेंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री की भक्ति आपको दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रामभद्राचार्य को आपने कहा सुना कि उन्होंने कहा कि जो लंबा इंतजार और जो बहुत पुराना सपना वो आज साकार हो गया है। 8 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अमिताभ बच्चन सुपर हीरो, हेमा मालिनी भी यहां पर मौजूद रही और साथ ही अनुपम खेर को आप देख रहे हैं, माधुरी दीक्षित के साथ साथ जैकी श्रॉफ भी मौजूद रहे, टाइगर श्रॉफ भी यहां पर पहुंचे, अभिषेक बच्चन, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, रणदीप हुड्डा, कंगना रनौत, हालांकि कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी तस्वीर आगे हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन ये वो बड़े सुपर हीरोज जो यहाँ पर जिन्हें आमंत्रण मिला था वो पहुंचे। रजनीकांत, चिरंजीवी और रामचरण को भी आप देख रहे हैं, कई सुपरहिट मूवीज कर चुके हैं और राम मंदिर को लेकर अक्सर इनके ट्वीट्स भी देखे गए पिछले दिनों। आखिरकार इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए वो अयोध्या भी पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आप देख रहे हैं राम मंदिर की ये तस्वीर, बहुत ही खूबसूरती से राम मंदिर को सजाया गया है। तो रामायण धारावाहिक में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिकलिया और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की खुशी दोनों ने जाहिर की। तो जिस शुभ घड़ी का इंतजार था वो आ गई, अवधि बिहारी अयोध्या में विराजमान हो गए। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यूं तो पूरा उत्सव ही अद्भुत है, लेकिन जब भक्तों के सामने रामलला की मूर्ति आई तो वो पल अद्भुत था, अलौकिक भी था। ऐसा रूप, ऐसा तेज, ऐसा आभा मंडल की आंखें हटती नहीं, 5 साल के बालक का कोमल मुस्कुराता चेहरा, सजीव आंखें, एक बालक की कोमलता, एक अवतार का देवत्व, रामलला की इस मूर्ति में सब कुछ है। राम विष्णु के अवतार, एक राजा के बेटे भी, उनमें देवत्व का प्रकाश है तो राजसी तेज भी है, लेकिन है वो 5 साल। इस प्रतिमा में हर बात का ध्यान रखा गया है, जैसे कि श्री राम का व्यक्तित्व और चरित्र है, वैसे ही मन को मोह लेने वाली रामलला की ये भव्य मूर्ति है। संपूर्ण लोकों में सुंदर कमल के समान नेत्र वाली करुणा की मूर्ति आप अपने टेलीविजन पर देख रहे हैं, ये मूर्ति जिसमें कि 5 किलो के आभूषण से सजा दिए गए हैं और अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है। आप देखिए कि उनका मुकुट काफी अद्भुत है और अद्भुत
मुकुट के बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही उनके इन गहनों को भी आप देखिए, काफी आकर्षक गहने रामलला के। तो आइए अब आपको बताते हैं क्या है रामलला की मूर्ति की खासियत, ग्राफिक्स के माध्यम से भी देखिएगा। श्याम शिला से बनी है ये मूर्ति, मैसूर के अरुण योगी राज ने ये मूर्ति तैयार की है अपने हाथ। एक ही पत्थर से मूर्ति का निर्माण किया गया है। विग्रह 51 इंच ऊंचा है और 3 फीट चौड़ा है। 5 साल के बच्चे की मनमोहक झलक, मस्तक के पास सूर्य, स्वास्थ्य, ओम, गदा और चक्र। भगवान विष्णु के बने हैं 10 अवतार, हनुमान और गरुड़ देव भी मौजूद हैं। बाएं हाथ में धनुष बाण, आशीर्वाद का मुद्रा में दायां हाथ है। मूर्ति को पानी से नहीं, कोई नुकसान पानी से नहीं होगा। रोली चंदन से भी उसकी चमक प्रभावित नहीं होगी, ये खासियत है इस मूर्ति की। तो रामलला की ये खास मूर्ति जिस तरीके से बनाई गई है, वो आप सोच भी नहीं सकती कि कितनी बारीकी से इसमें काम किया गया है। रामलला की मूर्ति में हर बारीकी का ध्यान रखा गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मूर्ति में कहां क्या छवि उकेरी गई है। तो सबसे पहले स्वस्तिक, ओम, चक्र, गदा, इन तमाम चीजों की बात करेंगे। आप ध्यान से देखिए इस पूरी मूर्ति को, आपको एक एक चीज बताते हैं। स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, कमल, हनुमान, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, गरुण, ये सब अवतार हैं भगवान विष्णु के। ये सब अवतार हैं और ये सब अवतार इस दिव्य भव्य मूर्ति में उकेरे गए हैं। इतनी बारीकी से, इतनी कमाल की ये मूर्ति तैयार की है अरुण ने कि क्या ही बोले। इतनी मनमोहक मुस्कान, नेत्र ऐसे जैसे जीवंत हो। हर कोई इस प्यारी सी मूरत को देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, नजर ही नहीं हट सकती। इतना अद्भुत श्रृंगार किया गया है रामलला का। बिल्कुल, और जो तिलक आप देख रहे हैं, तो चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि क्या क्या खास है इसमें। स्वस्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे। फिर आप एक तरफ देखेंगे मत्स्य, कूर्म, बरा, नरसिंह, वामन, हनुमान और कमल के आकार की चीजें। इसके अलावा दूसरी तरफ परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, गरुड़, 10 अवतार। मूर्ति ऊंचाई अगर हम कहें तो 51 इंच और चौड़ाई 3 फीट की है। तो बड़ी ही दिव्य और भव्य मूर्ति। काले पत्थर का इस्तेमाल इस मूर्ति को बनाने में किया गया और एक ही पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है। शिला ये कृष्ण की है सुमित, और रामलला को इसमें बनाया गया है। कृष्ण शिला के ये रामलला हैं, और खास बात ये है कि 10 अवतार भी इसमें हम देख सकते हैं विष्णु जी के। तो रामायण धारावाहिक में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की खुशी दोनों ने जाहिर की, सुनिए। अयोध्या बहुत खुशी का अवसर है। देखिए सब जगह दिवाली का माहौल हो गया है, दिवाली से भी ज्यादा। युद्ध जो किरदार आपने निभाया था, आज रामलला विराजमान होकर वो सच नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये माहौल है अयोध्या की सड़कों पर। आप देख सकते हैं जो जिन्होंने सीता और राम का किरदार रामायण में निभाया था वो हमारे साथ में थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब पूरा माहौल राममय है। सर क्या माहौल है? जय श्री राम। आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौट रहे हैं, रामलला विराजमान हो गए हैं। जी बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए और पूरे देश के लिए भी खुशी की बात है, और ये सौभाग्य है कि हमें अपने जीवन काल में ये देखने को नसीब हो रहा है हमारे। तो बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुई। हेमा मालिनी ने वर्षों का सपना साकार होने पर बेहद खुशी जाहिर की। एकदम भोर विभोर हो गए हैं।
वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द होल थिंग। जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ और इतना अच्छा एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। और चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉर अ लॉट।